हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे होम किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। दूध को आप बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल हो गया तो इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी को दूध में अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम अपनी अगली तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया कस्टर्ड पाउडर वैनिला फ्लेवर में। ये पैकेट 40 रुपए का आता है। तो यहाँ मैं 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करूँगी। अब इसमें हम 2 चम्मच ठंडा दूध डालेंगे। गर्म दूध नहीं डालना है, इसमें गुठले पड़ जाएंगे, इसलिए हम ठंडा दूध का ही इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। कस्टर्ड का घोल बनके तैयार है। तब हम दूध को अच्छे से चला लेंगे। चीनी इसमें मेल्ट हो गई है। जो हमने कस्टर्ड का घोल बना के तैयार किया था वो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कस्टर्ड को हम 2 बार डालेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको कंटिन्यू चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अब इसमें हम बचा हुआ घोल डाल देंगे और इसको भी अच्छे से चलाते रहेंगे। दस से 15 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकाते रहेंगे। धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। कस्टर्ड बनके तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम अपनी पसंद की कोई भी फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ मैं डालूँ 1 कप अनार। अब इसमें डालेंगे केले। केले को मैंने छीलकर कट कर लिया था। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप अंगूर। अंगूर को भी मैंने कट कर लिया था। अब इसमें डालेंगे सेब। सेब मैंने कट कर लिए थे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए बर्तन छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारा फ्रूट कस्टर्ड। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।